देखो क्या मस्त व्यू आ रहा है अभी, पूरा ऊपर पीछे से क्लाउड्स उड़ रहा है। फाइनली फर्स्ट व्यू आ चुका है यहाँ से, देखो यहाँ से शिव जी का स्टैचू का पूरा पानी आ गया ऊपर अभी ये इन्होंने बना दिया लग रहा, पहले था इधर अच्छा खासा। Alright guys, welcome back to my channel. So I hope everyone is doing fine. तो आज का जो दिन है बहुत ही amazing होने वाला है, क्योंकि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं आदियोगी, basically आदियोगी जो कोयम्बटूर में, वो वाला नहीं, जो आदियोगी चिकबल्लापुर में है, which is very near to Bangalore. And अभी थोड़ा time हो गया है open हुए, अभी पता नहीं वहाँ पे कितना road बना है, but it is going to be crazy man. मतलब पूरा off road था जब मैं last time में गया था, तो उस time पे काफ़ी मज़े मारे थे, बट मैं कार से गया था और अभी देन उसके बाद में बाइक लेने के बाद में मैं कहीं जा नहीं पाया। तो वी हैव एरन एंड उत्कर्ष टुडे, उत्कर्ष ने नई बाइक ली है टाइगर 660, जो कि आप लोगों को अभी थोड़ी देर में देखने के लिए मिल जाएगी। जब से ऑफ रोडिंग ट्रेनिंग करके आए ना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया है। इवन कल चीज़ें थोड़ी बहुत सही कराई हैं, बार्क बस्टर का जैसे ये था, बैंड होके नीचे हो गया था थोड़ा सा, बट इट्स गुड प्रोडक्ट यार। मतलब पूरा जो है आप लोगों का जो भी बाइक का फॉल होता है ना, एटलीस्ट वो बचा लेता है आराम से। अभी मेन यही है कि मेरे को डबल टेक के मिरर लगवाने हैं, अभी देखूंगा। आज संडे है, संडे को शॉप तो खुला होता है बाइक एंड बाइकर में, हो सकता है मैं जाके लेके आऊँगा। व्हाट्सअप, या आई विल लीव। Hi bro, we are meeting for the first time, I guess. Hello. Hey. और बढ़िया बढ़िया एकदम, बताओ क्या चल रहा है। चलो निकले फिलते, हाँ सेना कनेक्ट करने। मैं कल ही पूरी बाइक वॉश कराया, मैं सोचा राइड वाइड पे निकलेंगे, कल पूरी बाइक वॉश कराया, शाम तक मैं बाहर ही जाए, देखो क्या हो गया बाइक वॉश करते हैं। हाँ सही, जिस दिन बाइक वॉश करा उस दिन होता ही होता है। सबने स्विच कर लिया ना, दिवाकर का बचा ही ना है ना। दिवाकर बोला थोड़ा सा पहले गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए, फिर बाइक पे सेटल होना चाहिए। चलो स्टार्ट। ओके ये तो अक्षय की तरह दौड़ा रहा है यहाँ पे अभी स्ट्रेट रहेगा अपना राइट टिल नंदी उपचार। हम लोग प्लान हमेशा ऐसे ही करते हैं कि नंदी उपचार में रुके, चीज अच्छी है, हाथ में ठंडा लग रहा है। बैंगलोर में स्पेशली बारिश होने के बाद में ना बहुत ज्यादा एकदम ठंडा हो जाता है, तो मतलब पहले लगता था अरे यार ये बारिश होने के बाद में हुडी कैसे पहन लेते हैं बट अभी समझ में आता है बारिश होने के बाद में जो हवा चलते हैं ना भाई साहब, मतलब पूरा ठंडा हो जाता है। एंड ऐसे में अपने लिए तो ये ऑप्शन है हीटेड ग्रिप्स, 3 level, 2 level, 1 level, आई गेस 1 level विल बी इनफ, तो अच्छा हाथ में गरम गरम से एक मिलता रहता है। देखो सही है, आराम से। पता नहीं कौन, एक कोई बंदा मेरे को कमेंट किया था क्योंकि बाइक में थोड़ा सा वाइब्रेशन आता है, मैंने कहा वो मीडिया वाला बाइक में वो तो रहेगा ही रहेगा। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे, टोल क्रॉस कर लिए हैं, बारिश वारिश पड़ने लगी है। अब यार ये वाले सीजन में ना यही है कि बारिश का कुछ पता नहीं, अभी पीछे साइड में बैंगलोर में बारिश नहीं हो रहा था, यहाँ पे बारिश हो रहा है कुछ। तो अभी हम लोगों का वैसे सीन क्या है कि उमलिंगला राइड का प्लान बन गया है अभी फाइनली, एंड वी आर गोइंग टू शिप अवर बाइक्स ऑन 18th मे, जो कि अभी नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीकेंड रहेगा, बाइक शिप हो जाएंगी। मैं, बुल्लू भाई और दिवाकर यहाँ से निकलेंगे टूवर्ड्स चंडीगढ़ बाई कार, एंड देन उसके बाद में हम लोग चंडीगढ़ में अपने को बाइक 25th को मुझसे रिसीव हो जाएगी, 26th से अपनी राइड स्टार्ट होगी। मज़ेदार वाला राइड होने वाला है, आगे वाले आने वाले ब्लॉग्स में ना बहुत मज़ा आएगा। तो पूरा जो उमलिंगला है वो कर रहे हैं, देन जंस्कार भी कर रहे हैं हम लोग, बहुत ही क्रेजी वाला एक्सपीरियंस रहने वाला है। देखो भाई साहब कितना तेज़ बारिश हो गया, बिकॉज ऑफ रेन आई गेस एवरीवन स्टॉप्ड हियर ओनली। ऑलराइट जी, तो अपना यहाँ पे ब्रेकफास्ट हो चुका है फाइनली नंदी उपचार में, एंड यहाँ से निकल रहे हैं। देखो बारिश तो रुक नहीं रही है, बट क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा प्लान बना के आए थे, पानी नहीं फिरना चाहिए बट पानी तो फिर रहा है। तो ब्रेकफास्ट को तो मैं कवर नहीं कर पाया, बट अभी सीन ये है यहाँ से 30 kilometers और है, 30 kilometers बाद में आदि योगी आता है और जो स्टैचू वाला पॉइंट है बेसिकली, तो आज वहीं पर जाएंगे।
पूरा पानी आ गया ऊपर। तो देखो यार अभी धीरे धीरे मौसम क्लियर हो रहा है एंड यहाँ पे क्या मस्त वाले क्लाउड्स आ रखे हैं, क्या मस्त लग रहा है। मन कर रहा है वहाँ पे पॉइंट पे पहुँच जाओ बट वहाँ पे पहुँच नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जो ट्रैकिंग होती है वही होती है। तो अभी यहाँ से बेसिकली आदि योगी जाने का टाइम पे दो रोड आता है, एक आप चिकोलापुर टाउन के अंदर से होते हुए जा सकते हो, एक ये वाला जो हाईवे है इसी में कंटिन्यू करके आगे साइड में जाओगे और देन उसके बाद में वहाँ से लेफ्ट ले सकते हो। तो ये दो रास्ते हैं। अब बारिश हो गई है तो अभी पता नहीं स्लैची रोड मिलेगा कि नहीं। क्या मस्त आ रहा है, एक बार यहाँ पे रुक के फोटो ले क्या। हाँ थोड़ा सा नीचे वाली साइड में आ जाओ, एक मिनट बताता हूँ, एक मिनट यहाँ पे। हाँ इधर रुकते हैं, आ जाओ यहाँ से अच्छा रहे। वाह, थोड़ा सा रुक गए थे यहाँ पे फोटो लेने के लिए। बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है यार, मतलब मज़ेदार एकदम। अब कुछ चीज़ें हैं यहाँ से थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी मेन हाईवे का मैं थोड़ा सा कम ही कवर करूँगा। एक रास्ता है यहाँ से चला जाता है, वो चिकबोला टाउन से जाएगा एंड ये वाला जो रास्ता है ये सीधा हाईवे से जाता है। देखो अभी यहाँ से ये जो है डाइवर्जन यहाँ से लेफ्ट ले लेंगे। देखो यहाँ पे जितना पास जाते जाएंगे उतना ही व्यू जो है बेहतरीन होता जाएगा। ये देखो यहाँ पे उधर से पूरा ऊपर चढ़ के जाएंगे देन उसके बाद में वहाँ पे उधर साइड में नीचे जाएंगे। अब थोड़ा सा ऑफ रोडिंग वाला जो टैक्टिक सीखी है ऐसे करके हाथ रखना है वो थोड़ा सा ट्राई करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे अभी जो है मेन एंट्रेंस वाला गेट बन चुका है, द अबोर्ड ऑफ योगा अच्छा ये लिखा है, मेरे को उधर पे थोड़ा सा मिट रखा है तो इसलिए पता नहीं लग रहा है। नहीं ये नहीं है, अभी ये इन्होंने बना दिया लग रहा, पहले था इधर अच्छा खासा। तो यहाँ पे थोड़ा सा उठ के ऑफ रोडिंग कर लो ऐसी मजे में। I'm on the right. खड़े होके बाइक चलाने में मजा आता है। जानबूझ के खड़े रहते हैं स्पीड ब्रेकर पे बैंगलोर में। There's ऑफ रोडिंग। उधर पे पूरा क्लाउड्स हो रखा है, आई गेस वो स्टैचू का जब फोटो लेंगे ना तब पूरा पीछे क्लाउड्स आएगा। सो गाइस फाइनली फर्स्ट व्यू आ चुका है यहाँ से। देखो यहाँ से शिव जी का स्टैचू का, तो यहाँ पे उधर थोड़ा सा क्लोज जाके फोटो लेंगे वहाँ पे अच्छा आएगा। देखो क्या मस्त व्यू आ रहा है अभी, पूरा ऊपर पीछे से क्लाउड उड़ रहा है। आई गेस फॉर इनिशियली फ्यू डेज पीपल वर हैप्पी दैट देयर इज अ न्यू नियर बाई प्लेस टू विजिट बट नाउ नोबडी इज कमिंग। एक ना थोड़ा सा दूर वाली लोकेशन पे रुकेंगे जहाँ से शिवजी का स्टैचू का वो आएगा। अच्छा डज एनीवन हैव कैश, पार्किंग नहीं करना है, वेट आ जाओ। सही है पार्किंग नहीं करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे पार्किंग करने का पैसा है। आई गेस 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ ही है बस, but from there it will be back. Let's see, we'll go that side, let's go to that side, we'll see. agar nahi hua to wapas aate hain. We can do one thing, so we can, yeah we can take this off road, we'll reach there, from there we'll click some photos.
better, no? But from here they will not let us. Let's go there. मस्त तो रखा आज ना, गर्मी नहीं लग रही. Where, which side? No parking. Let's go. No parking, no stopping. Yaar. But that's why they have made this point, no? What is the use of sending us back? From here, park the bike here, yeah. ऐसे इधर इधर इधर. राइट जी, तो अपने सारे भाई बंधु निकल रहे हैं यहाँ से लास्ट मीटअप के बाद में. एंड यहाँ से हम लोग, मेरा तो घर पास में ही है वैसे, बाकी सबको थोड़ा सा ट्रैफिक वाला रास्ता लेके जाना पड़ेगा. गर्मी बढ़ रही धीरे धीरे. और राइट जी, तो हम लोगों का फाइनली ये लास्ट मीटअप होके हम लोग जा रहे हैं वापस. एंड यहाँ से मैं ले लूँगा टुवर्ड्स लेफ्ट मानदर टेक पार के लिए. और आज का ब्लॉग अमेजिंग रहा, मतलब आज का राइड अमेजिंग रहा. अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. और अगर कुछ भी क्वारीज है रिलेटेड टू द लोकेशन, जस्ट ड्रॉप मी अ कमेंट और रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम ID नदी मलवी ब्लॉग्स. और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में. टेक केयर, बाय बाय.